अरे ऋषि का तुम्हारे पास तो छाता था ना, फिर तुम बारिश में भीग कैसे गई? अरे अभी तो मुझे इस छाते को पूरे 5 साल चलाना है, पूरे 5 साल मेरा प्यारा छाता। छाता मिल सकता है क्या? वो क्या है ना कि मेरा छाता ना आज टूट गया और मुझे ना आज सब्जी लेने जाना है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या आप अपना छाता दे दोगे मुझे? मैंने आज तक मेरा छाता खुद यूज नहीं किया और मैं इसको दे दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इसको अपना छाता नहीं दे सकती। अरे ऋषि का बहन क्या हुआ, क्या सोच रही हो? छाता दो ना। ठीक है अभी लाती हूँ। ये लो छाता। लाइए। अरे एक मिनट, आपको पता है मेरे पास ना 5 छाते हैं और एक मैं आपको दे दूंगी तो क्या चला जाएगा, है ना? हाँ तो फिर दीजिए ना। एक काम करो ना, आप 500 रुपए दे दो मुझे और ये छाता आप भी रख लो, आपकी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। अगर मुझे पैसे देने होते तो मैं यहाँ छाता मांगने क्यों आती? इससे जाके बाजार से नया छाता खरीद लेती ना मैं। अरे क्या हुआ, दो ना 500 रुपए और ले जाओ छाता। नहीं नहीं नहीं, मैं ना अपना टूटा छाता ही ले जाऊंगी, आपने ही आपका छाता अपने पास ही रखिए। क्या हुआ, ले जाइए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। एक छाता तो खरीद नहीं सकती, कंजूस कहेंगी पड़ी आई मुझसे छाता मांगने वाली, मैं क्यों दूँ अपनी छाता। अरे बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, तो मेरे दोस्त ने मेरे को गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए बुलाया है। अच्छा तो आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं अभी क्या करने गई होगी, रोजाना कुछ उल्टा सीधा करती रहती है। अरे बेटा हर्षिता, तुझे पता है तेरे पापा ना गर्मा गर्म पकौड़े खाने जा रहे हैं, मत करना, पूरा टिफिन चकाचक भर के लाना, ठीक है ना? ओके मम्मा। अरे पापा जल्दी तो चलिए। हाँ जाइए ना। अभी ना ये वीडियो पूरी नहीं हुई है, अभी तो इसका पहला ही पार्ट है, दूसरा पार्ट तो बहुत जल्दी ही आ जाएगा। और हाँ गाइज, हम ना हमारा दूसरा पार्ट जब ही लाएंगे, जब ना आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि हम दूसरा पार्ट लाएं कि नहीं। तो गाइज आपने तो देखा ही होगा कि मेरी माँ कितनी कंजूस है और अभी कैरी खाने लगी है, और आप भी बताना कि आपकी माँ कंजूस है कि नहीं कमेंट कर।